हमारे सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं संतोष भगत, आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज़, आपका स्वागत है। अभी अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में चुनाव के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, जिसका कारण हम सभी को पता है। जहाँ पर हमारा विधानसभा चुनाव हुआ, वहीं पर जैसे ही चुनाव के परिणाम आए तो हमने देखा कि भाजपा जो है 105 सीटों के साथ एक बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई। भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था और गठबंधन के बावजूद भाजपा और शिवसेना के सीटों में कारण मुख्यमंत्री के बंटवारे के कारण जो भी दिक्कतें आई उसको लेकर के भाजपा शिवसेना अपनी सरकार नहीं बना पाई। उसके बाद राज्यपाल जी ने एनसीपी को इन्वाइट किया और एनसीपी को इन्वाइट करने के बाद एनसीपी ने सरकार बनाने के लिए समय मांगा, उसके बाद समय जो है नहीं दिया गया और अब शिवसेना को भी बुलाने के बाद समय नहीं दिया गया था। अब जो है अभी तक कांग्रेस ने अभी तक महायुति को या एनसीपी को अभी ठीक तरह से अपना सपोर्ट नहीं दिया है। इसको लेकर के भी अभी भी दोनों के बीच कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं कि जो अब तक हो नहीं पाई है। इसलिए हमने देखा कि कल रात को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। आइए सुनते हैं कुछ लोगों से कि उनका क्या कहना है, क्यों हुआ, क्या हुआ, किस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया आते हैं। हम उन्हीं से कुछ लोगों से बात करके इसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति शासन कल रात से लागू हुआ है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? एक्चुअली राष्ट्रपति शासन लगना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको अंडरस्टैंडिंग करके साथ में जो भी उनमें उनका जो भी फॉर्मूला था या जो भी था उसको उनको समझ बूझ के सरकार बनानी चाहिए थी। अगर सरकार होती तो लोगों की समस्या का प्रॉब्लम निकलता और लोगों की समस्या का प्रॉब्लम निकालने के लिए हमने उनको वोट दिया। और हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए था, अच्छी सरकार बननी चाहिए थी विथ कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सरकार बननी चाहिए, शासन राष्ट्रपति लगना नहीं चाहिए। इसके वजह से पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ है। पब्लिक ने जो तरह से गवर्नमेंट को वोट दिया है वो पूरा खत्म बिगाड़ गया हुआ है। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप? दोनों पार्टी को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, समझना चाहिए। पब्लिक ने आपको बहुत सारे वोट दिया, आपने आपने प्रतिशत लगा दिया, नुकसान सबको हुआ, जनता को नुकसान है और गवर्नमेंट को नुकसान क्यों हुआ है, दोनों को लॉस हुआ है। और इसका क्या प्रतिक्रिया देंगे कि अभी क्या करना चाहिए? अब दोनों लोग वापस से मिले, वापस बैठ के बात करें और भाजप ने काय केलं आतापर्यंत सत्ता असून सुद्धा? भाजप ने काही केलेलं नाही, माझं काय नाही केलं त्यांनी? शिवसेना पार्टीने पण त्याचा विरोध कुठे केला? सांगतो ना, राजकारण गजकारण चालू आहे यांचं पण नाही काय। शिवसेना का थोडासा मुझे ऐसा लगता है कि गलती शिवसेनाने कधी ना कधी किया है। लेकिन शिवसेना का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले जा रही राष्ट्रपति के पास में। मुझे हमसे जो है कि ना तो उन्होंने विचार विमर्श किया, ना कोई हमसे कोई बात किया और वह सीधे राष्ट्रपति के पास चले गए। और 105 की संख्या होने के बाद बगैर हमारे समर्थन के सरकार नहीं बन सकती। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब बेवकूफ़ ही बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, शिवसेना को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि शिवसेना का मुद्दा अलग है और राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी का मुद्दा अलग है। बगैर शिवसेना बगैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां हैं, इस साल का दोनों का रिश्ता रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का इस मैटर में अगर इंटरफियर करता है तो सरकार कल की कल बन सकती है। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, सही हुआ या गलत हुआ है? गलत है, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, ये गलत। कल रात से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो राजनीति जो चल रही है महाराष्ट्र के अंदर वो हम लोग के जैसे आदमी लोग तो उसको टिप्पणी करने योग्य नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं। जिन्होंने भी आज इसके लिए राष्ट्रपति राजभवन लागू करने के लिए जिन्होंने भी इसमें जिम्मेदार है वही अभी उनका जवाब दे दें। नहीं मतलब सर, हमने तो वोट दिया था ना, जनता ने तो वोट दिया था। अभी जनता ने वोट दिया था, जनता को समझना मांगते हैं अभी किसको, अभी आगे चल के किसको देने का और किसको नहीं देने का, जनता को समझना मांगते हैं। थैंक यू।